दफ़ा इंजॉय किया किया आपने कोपेनहेगन से हमारे जो चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट हैं जनाब आसिफ रशीद चौधरी साहब की गुफ्तगू सुनी, बड़े धीमे मिजाज के दोस्त हैं हमारे, वहाँ कम्युनिटी में उनका बड़ा रोल है, बड़ा नाम है, बड़ी इज्जत और वकार है और वो बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं पाकिस्तानियत उनके अंदर कूट कूट की भरी है, पता चल जाए क्योंकि पाकिस्तान से वहाँ परिंदा भी आया हुआ है और उन्होंने ये नहीं देखना बल्कि वो मिनिस्टर सिस्टम के को तो शायद दायर मैं कर देती हूँ, लेकिन अगर कोई पता चल जाए कि भाई आसरा शख्स पाकिस्तानी वहाँ चला गया है वो उसको अपने कोशिश करेंगे कि घर ले जाएँ और उसका जब तक कोई ठिकाना ना हो बंदोबस्त ना हो जाए उनको चैन नहीं आता। पाकिस्तान को इस तरह के और बेशुमार लोग हैं जो पाकिस्तान से बेहद प्यार करते हैं, पाकिस्तान पे अपनी जान निछावर करते हैं, उनका जीना मरना पाकिस्तान से है। अल्लाह करे, हमारी दुआ है कि ये हुक्मरान भी, ये जो हुक्मरान है ये पाकिस्तान के अंदर बसने वालों का तो चलो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जिनका ओढ़ना बिछोना इस पाकिस्तान के साथ है, अभी हम अर्ज कर चुके हैं कि अपने बूढ़े वालदेन को छोड़ा हुआ है, तमाम सारे रिश्ते नाते छोड़ कर वो वहाँ गए हैं, दर गैर में गए हैं, इसके लिए गए हैं कि पाकिस्तान खुशहाल हो, उनका जो आबाओ अजदाद हैं जिन्होंने तंगियाँ काटी वो खुशहाल हों, लिहाजा हमें उनकी कदर होनी चाहिए। मैं तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं तमाम महकमे हैं मैं उनसे गुजारिश करता रहता हूँ कि इनका बड़ा ख्याल रखा करें, इनको इज्जत दें, इनको वकार से भरें, जब ये हवाई अड्डों पर उतरें एयरपोर्ट्स पर उतरें तो इनको आंखों पे बिठाएं, ये पैसा फेंकते हैं तो पाकिस्तान की जो रीढ़ की हड्डी है वो मजबूत होती है, वो हुक्मरान अपने अलग तो लड़ों उड़ा देते हैं लेकिन ये मोहब्बत से बाज नहीं आते, ये जुते रहते हैं, जुड़े रहते हैं। लिहाजा इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले प्रोग्राम में फिर हम आपको कहीं और लेके चलेंगे, सरप्राइज़ होगा, दोस्तों से मिलाएंगे, कभी हम आपको करिया करिया गलियों गलियों मुल्क मुल्क लेके जाते हैं, इसलिए ये पाकिस्तान है एक नक्शे पे लिखा हुआ था, हमने पढ़ा क्या खूबसूरत वर्ड्स थे कि इफ़ हू लिव्स इफ़ ही डज नॉट लिव, हमारे मुँह में फाक ये रहने के लिए बना है, बहुत सारा ख्याल लिखे, इर्द गिर्द का ख्याल लिखे, पाकिस्तान के नाम पे मर मिटिए, अपने तमाम इदारों का ख्याल रखिए और दुश्मन पे नज़र रखिए और आजकल जो वबा आई हुई है इसके लिए खुदा रहा ये हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हुकूमतें क्या करें, हुकूमत अगर डंडे मारे तो हम फिर मीडिया पीछे, हुकूमत हाथ नरम रखे तो हम कोई कहना कोई कहना मानने के लिए तैयार नहीं है, इसी वजह से हम बुरी तरह सफ़र करें, खुदा रहा बाकी छोड़ें, बाकी तो हम कानून को कानून की धज्जियाँ उड़ाने में फख्र महसूस करते हैं, कोई गरीब कांस्टेबल को ठुड्डे मार के गुजर जाता है या गुजर जाती है वो बड़ों की बीवी है, वो बड़ों का बेटा है, गरीब को ठुड्डे ब्यूरोक्रेट्स मारते हैं पुलिस मारती है, लिहाजा नहीं, आइए हम सब मिलके कानून का एहतराम करें और पाकिस्तान का फ्लैग सर बुलंद करें, पाकिस्तान है तो हम हैं। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान यूट्यूब जावेद के मैंने कोई जल्द दीजिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, वेलकम बैक डेट व्यूस, एंजॉय किया आपने वक्फा, एंजॉय किया आपने कोपेनहेगन से हमारे जो चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट हैं जनाब आसिफ रशीद चौधरी साहब की गुफ्तगू सुनी, बड़े धीमे मिजाज के दोस्त हैं हमारे, वहाँ कम्युनिटी में उनका बड़ा रोल है, बड़ा नाम है, बड़ी इज्जत और वकार है और वो बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं पाकिस्तानियत उनके अंदर कूट कूट की भरी है, पता चल जाए क्योंकि पाकिस्तान से वहाँ परिंदा भी आया हुआ है और उन्होंने ये नहीं देखना बल्कि वो मिनिस्टर सिस्टम के को तो शायद दायर मैं कर देती हूँ, लेकिन अगर कोई पता चल जाए कि भाई आसरा शख्स पाकिस्तानी वहाँ चला गया है वो उसको अपने कोशिश करेंगे कि घर ले जाएँ और उसका जब तक कोई ठिकाना ना हो बंदोबस्त ना हो जाए उनको चैन नहीं आता। पाकिस्तान को इस तरह के और बेशुमार लोग हैं जो पाकिस्तान से बेहद प्यार करते हैं, पाकिस्तान पे अपनी जान निछावर करते हैं, उनका जीना मरना पाकिस्तान से है। अल्लाह करे, हमारी दुआ है कि ये हुक्मरान भी, ये जो हुक्मरान है ये पाकिस्तान के अंदर बसने वालों का तो चलो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जिनका ओढ़ना बिछोना इस पाकिस्तान के साथ है, अभी हम अर्ज कर चुके हैं कि अपने बूढ़े वालदेन को छोड़ा हुआ है, तमाम सारे रिश्ते नाते छोड़ कर वो वहाँ गए हैं, दर गैर में गए हैं, इसके लिए गए हैं कि पाकिस्तान खुशहाल हो, उनका जो आबाओ अजदाद हैं जिन्होंने तंगियाँ काटी वो खुशहाल हों, लिहाजा हमें उनकी कदर होनी चाहिए। मैं तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं तमाम महकमे हैं मैं उनसे गुजारिश करता रहता हूँ कि इनका बड़ा ख्याल रखा करें, इनको इज्जत दें, इनको वकार से भरें,
जब ये हवाई अड्डों पर उतरें, एयरपोर्ट्स पर उतरें, तो इनको आंखों पर बिठाएं, ये पैसा फेंकते हैं तो पाकिस्तान की जो रीढ़ की हड्डी है वो मजबूत होती है, वो हुक्मरान अपने अलग अलग उड़ा देते हैं, लेकिन ये मोहब्बत से बाज नहीं आते, ये जुटे रहते हैं, जुड़े रहते हैं। लिहाजा इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले प्रोग्राम में फिर हम आपको कहीं और लेके चलेंगे, सरप्राइज़ होगा, दोस्तों से मिलाएंगे, कभी हम आपको करियर करियर गलियों गलियों मुल्क मुल्क लेके जाते हैं। इसलिए ये पाकिस्तान है एक नक्शे पे लिखा हुआ था, हमने पढ़ा क्या खूबसूरत वर्ड्स थे कि इफ़ हू लिव्स इफ ही डज नॉट लिव, हमारे मुँह में फाक ये रहने के लिए बना है। बहुत सारा ख्याल लिखे, दिल का ख्याल लिखे, पाकिस्तान के नाम पे मर मिटिए, अपने तमाम इदारों का ख्याल रखिए और दुश्मन पे नज़र रखिए। और आजकल जो वबा आई हुई है इसके लिए खुदा रहा ये हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हुकूमतें क्या करें, हुकूमत अगर डंडे मारे तो हम फिर मीडिया पीछे, हुकूमत हाथ नरम रखे तो हम तो कहना है कोई कहना मानने के लिए तैयार नहीं है। इसी वजह से हम बुरी तरह सफ़र करें, खुदा रहा बाकी छोड़ें, बाकी तो हम कानून की धज्जियाँ उड़ाने में फ़ख्र महसूस करते हैं। कोई गरीब कांस्टेबल को ठुड्डे मार के गुजर जाता है या गुजर जाती है, वो बड़ों की बीवी है, वो बड़ों का बेटा है, गरीब को ठुड्डे ब्यूरोक्रेट्स मारते हैं, पुलिस मारती है, लिहाजा नहीं। आइए हम सब मिलके कानून का एहतराम करें और पाकिस्तान का फ्लैग सर बुलंद करें। पाकिस्तान है तो हम हैं। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान यूट्यूब जावेद के मैंने को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।